नमस्कार मैं अजय सिंह खर स्वागत है आपका टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पर साथियों ध्यान से देखिए वैकेंसी आ चुकी है आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका इंतजार आप आप लोगों की ओर से किया जा रहा था वो नोटिफिकेशन स्क्रीन पर है हर कोई ना यही इंतजार कर रहा था कि डी ट्रिपल एस बी की टीजीटी टी की वैकेंसी कब आएंगी तो लीजिए बेटा डी ट्रिपल एस बी की टीजीटी टी की वैकेंसी आ गई है इससे बढ़िया तोहफा और क्या मिल सकता है डी ट्रिपल एस बी की ओर से कि आप उठें और उठते ही आप लोगों को यह खबर मिले कि वैकेंसी आ गई है कल ही मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था फरवरी में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और फरवरी से ही अभी आप लोगों को अप्लाई करना है तो एक बहुत बड़ा मौका आप लोगों के पास दिल्ली में शिक्षक बनने को लेकर के सभी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी ध्यान से सुने जाने और समझें आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक भी दिया गया है जिस लिंक के माध्यम से आप लोग यह जान सकते हैं कि डी Dtplsb से रिलेटेड कौन से कोर्स यहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब आइए आप लोग जान लीजिए कि भर्ती जो आई है वो कौन सी पोस्ट के लिए आई है बेटा टोटल जो वैकेंसी आई है Dtplsb की ओर से TGT टी की वो है 5118 ये Dtplsb TGT टी की वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन है यह मत सोचिएगा कि कोई पुराना नोटिफिकेशन है यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो बता दी गई है आप लोगों को वह है इक्यावन सो अठारह पांच हजार एक सौ अठारह टोटल वैकेंसी है अब ये वैकेंसी जो आई है यह कौन से डिपार्टमेंट के लिए आई है तो बेटा ये वैकेंसी दो डिपार्टमेंट के लिए आई है और ये दोनों डिपार्टमेंट दिल्ली के ही हैं। दो डिपार्टमेंट में यह भर्ती होनी है एक तो दिल्ली सरकार का जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है जिसे हम डीओई कहते हैं और दूसरा जो अपना न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी का क्षेत्र है वहां पर जो स्कूल है उनके लिए यह भर्ती होनी है अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता साथ में हम यह भी जानेंगे अभी कि जब आप लोग अभी अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं तो कौन से कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है और कौन कौन अप्लाई करने के लिए जाएगा सबसे पहले यहाँ पर बता दिया गया है कि टीजीटी मैथ की वैकेंसी आई है एक बात बहुत शानदार है मेल के लिए अलग वैकेंसी है और फीमेल के लिए अलग वैकेंसी है मैथ के बाद में यहाँ पर बता दिया गया है कि इंग्लिश के लिए भर्ती है तो मैथ वाले तैयार हो जाओ इंग्लिश वाले तैयार हो जाओ आगे कहा गया है सोशल साइंस के लिए वैकेंसी है तो सोशल साइंस वाले भी तैयार हो जाए सोशल साइंस के लिए वैकेंसी है उसके साथ में बेटा बता दिया गया है कि नेचुरल साइंस के लिए वैकेंसी है तो जो साइंस का टीचर बनना चाहते हैं वो सब तैयार हो जाइए बहुत बढ़िया और बड़ा मौका मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग वैकेंसी है इसके बाद में हमें कहा गया कि हिंदी के लिए वैकेंसी है तो बेटा हिंदी वाले जो है वो तैयार हो जाइए टी हिंदी फिर है टी संस्कृत तो टी संस्कृत वाले तैयार हो जाइए टी टी उर्दू की भी यहां पर बड़ी वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिली है और बात आती है फिर पंजाबी की और बेटा फिर पंजाबी के बाद में बात आती है ड्राइंग टीचर की तो पंजाबी और ड्राइंग टीचर की हम लोगों को यहां पर वैकेंसी देखने को मिली है तो इतनी बड़ी भर्ती हम लोगों को फिर आगे कब देखने को मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है TGT मैथ इंग्लिश सोशल साइंस जिसको आप SST बोल देते हो सामान्य भाषा में जिसको आमतौर पर सीधा-सीधा ये बोलते हैं का Right? हिंदी संस्कृत उर्दू पंजाबी और Drawing टीचर इन सभी की ये वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिली है और टोटल नंबर ऑफ vacancies इक्यावन अठारह है TGT level लेवल पर वही अप्लाई कर सकता है जिसका सीटेट पेपर सेकंड पास होता है आपका सीटेट पेपर सेकंड पास है तो आइए बेटा अप्लाई करना शुरू कर दीजिए ऑल राइट चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर जानते हैं कि एज क्या होनी चाहिए और कौन किस तरीके से अप्लाई कर सकता है आपकी एज होनी चाहिए तीस साल पहले यह बत्तीस साल हुआ करती थी लेकिन इसको कम कर दिया गया और 30 साल इसको कर दिया गया था और अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आना बाकी है उसके अंदर और देखेंगे जो महिलाओं को छूट रहती है वो अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आना बाकी है उसमें देखेंगे महिलाओं को कितने वर्षों की अलग से छूट दी जाएगी दिल्ली ओबीसी में वही काउंट होंगे जो दिल्ली के बाशिंदे हैं यानी कि जो दिल्ली के रहने वाले हैं वही अप्लाई कर सकते हैं ऑल चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो बेटा आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप लोगों को ग्रेजुएशन करनी करनी है 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 कर रखी है, आपको बीएड वो भी आपने कर रखी है सीटेट का पेपर टू पास करना है वो भी आपने कर रखा है तो अब सीधा सा इनकी तैयारी में आप लोग लग जाएं नौकरी आपके सामने रखी हुई है बस उसको उठा लो जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं बायोलॉजी का बता दो बेटा बायोलॉजी की जो है वो पीजीटी लेवल पर आती है यहाँ पर कंप्लीट साइंस की होती है अलग से यहां पर केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी की नहीं होगी टीजीटी लेवल पे अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो सीटेट अभी दे रहे हैं उनका क्या होगा अभी जनवरी में जो सीटेट होगा तो बेटा इसके लिए अप्लाई करने क्यों जो आपको तारीख मिली है वो मिली है 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक क्लोजिंग डेट से पहले आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट अगर आ गया तो आपको मौका मिलेगा और अगर क्लोजिंग डेट से पहले सीटेट का रिजल्ट नहीं आया तो आपको मौका नहीं मिलेगा सीधी सी बात यही है तो अब 21 जनवरी को सीटेट का पेपर देकर के आइए जो पेपर देने जा रहे हैं और प्रयास कीजिए कि सीबीएसई की ओर से आपका रिजल्ट 8 मार्च से पहले जारी हो जाए तो ग्रेजुएशन में आप लोगों का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए क्योंकि टीजीटी लेवल पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आज जल्द ही आप लोगों को मेरा एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के मैं आपको सब कुछ बता रहा हूंगा एक और बात मैं आप सभी को यहां पर बता दूं कि आप में से जो भी बच्चे अब टीजीटी लेवल की तैयारी करेंगे तो जो आपका पेपर है वो दो भागों में बटा होगा पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए में 100 प्रश्न आपके आएंगे पार्ट बी में सौ प्रश्न आएंगे पार्ट ए में पांच सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जो पार्ट बी है यह आप सभी का अलग अलग रहेगा आपके सब्जेक्ट के हिसाब से टीजीटी लेवल पर जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है इसके लिए सबसे पहले आप लोग NCRT की किताबें अपनी पढ़ना शुरू कर देना छठी कक्षा से लेके दसवीं कक्षा तक ये किताबें बहुत सारी हो जाएंगी आप लोगों को एनसीईआरटी की किताबों के नोट्स जो हैं वह मिल जाएंगे टेंशन मत लेना ये नोट्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें अजय सिंह खरब यहीं पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी चाहे वो भर्ती को लेकर हो चाहे वो नोट्स को लेकर हो ठीक है अभी आने वाले सप्ताह में आप पाओगे कि आप लोगों के सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी की किताबों से बने हुए नोट्स छठी से दसवीं तक के अजय सिंह खरब वाला जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं आपको दे दूंगा साथ में एक और विशेष बात मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट सीरियस है सिर्फ वही कैंडिडेट इस नंबर पर मुझसे जुड़ सकता है गाइडेंस लेने के लिए कंप्लीट पेपर की गाइडेंस आपको मिलेगी सिर्फ वही बच्चा मैसेज करना जिसको पढ़ने के लिए गाइडेंस चाहिए है ये फालतू की जो बातें कई बार पूछते हैं ना

जिसको टाइम पास करना है उसके लिए ना मैं हूं ना उसके लिए कोई और है तो जो बच्चा सीरियस है उसकी प्रॉपर हेल्प करने को मैं तैयार हूं सेवन जीरो फोर टू डबल जीरो सेवन जीरो फोर थ्री इस पर अपना नेम सिटी एग्जाम पूरा कंप्लीट मैसेज लिख के शेयर करें ताकि मुझे सामने वाले की डिटेल पता रहे ऐसा नहीं है कि सिर्फ भेज दिया है। टी -टी की बता से और जैसे आप मैसेज भेजोगे ये नहीं, तुरंत मैं कर दूंगा क्योंकि बेटा क्लासेस भी होंगी जब मैं फ्री रहूंगा तो आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी मेरी ओर से तो ये मैं अपनी ओर से भी आप लोगों की हेल्प करने को तैयार हूँ तो अब आप पर निर्भर करता है आपको नोट्स मिल जाएंगे वो कहां पर मिलेंगे ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है यहां पर आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से तो अब आप तैयारी कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो आपकी मर्जी है लेकिन अभी से तैयारी में लग जाना अब कई सारे बच्चों की आदत क्या होती है कि अरे जब एग्जाम डेट पता चलेगी ना तब तैयारी करेंगे ये डी ट्रिपल एस भी है कोई यूपी टेट का झंडू पेपर नहीं है कि बस बैठे बैठे सोच लेंगे एग्जाम डेट आएगी तब करेंगे तैयारी यहां पर जी जान झोंकनी पड़ेगी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और जो दिन रात मेहनत करने को तैयार है बेटा सिलेक्शन उसी का होगा सिलेक्शन उसी का होगा नमस्कार